नया साल ये सवाल लेकर आ रहा है कि आखिर किसका होगा पश्चिम बंगाल। दीदी यानी ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया है पश्चिम बंगाल, तो बीजेपी के लिए विजय रथ को और आगे ले जाने की प्रतिष्ठा का सवाल। बंगाल में मिशन 200 प्लस के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नारा दिया गया है हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। टीम बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उभार हो रहा है, वैसे वैसे टीएमसी की चिंता भी बढ़ने लगी है, और ये चिंता राजनीतिक हिंसा और झड़पों की शक्ल लेकर बंगाल की सड़कों पर नजर भी आ रही है। नए साल का सवाल। किसका होगा बंगाल? क्या दीदी दुर्ग बचाएगी? या घर घर बीजेपी छाएगी? पश्चिम बंगाल के सवाल इन दिनों राजनीति के गलियारों में गूंज रहे हैं। बीजेपी तुष्टिकरण, बांग्ला आदर्श और अस्मिता की तलवार से ममता दीदी पर वार कर रही है, और ममता दीदी बंगाली बनाम बाहरी जैसे तर्कों की ढाल से बीजेपी के हमलों की काट तलाश रही है। देश के राजनीतिक कैनवास पर बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जो टीएमसी और बीजेपी दोनों के अस्तित्व से जुड़ गया है। टीएमसी पश्चिम बंगाल हारी तो ममता बनर्जी की राजनीतिक साख को बट्टा लगेगा, और अपराजेय बनकर उभरती बीजेपी के लिए पूर्वी भारत के उस राज्य में सरकार बनाने की चुनौती है जहां 6-7 बरस पहले तक उसके रंग की छाप तक नजर नहीं आती थी। बीजेपी के राजनीतिक विचारधाराओं के शीर्ष पुरुषों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक धरती पश्चिम बंगाल ही रही है, लेकिन पार्टी के स्थापना के 40 साल बीत जाने के बाद भी पार्टी यहां सत्ता से दूर रही। अब इस असंभव को संभव करने का बीड़ा मोदी शाह की जोड़ी ने उठाया है, और इसके लिए धरातल पर काम भी शुरू हो गया है। बंगाल में बीजेपी का जयघोष बना है, हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। अमित शाह ने 200 प्लस सीट का लक्ष्य रखा है, और आंदोलन के जमाने से टीएमसी के साथ ही रहे बंगाल के जननेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में आते ही नारा दे दिया है हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। 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 ये नारा 2014 के हर हर मोदी के नारे से मिलता जुलता है। इस नारे में हिंदुत्व का तड़का भी है और बीजेपी का आक्रामक अंदाज भी। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कार्यकर्ता और प्रमुखों की चौखट पर पहचान की पट्टियां टांगना शुरू कर दी है, ताकि ये लोग घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट बटोर सके। बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं बूथ पे, उनका नेम प्लेट इस वक्त यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्लोगन यहाँ पर दे रहे हैं, और जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बूथ अध्यक्ष, उन्हें सम्मानित करने का ये एक तरीका है। तो ये आज कार्यक्रम आपका पूरे दिन चलेगा? आज ये पूरे पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बूथ पर हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हम बूथ अध्यक्ष के घर जा रहे हैं, और बूथ अध्यक्ष के घर जा करके उनके यहाँ हम लोग उनका नेम प्लेट लगा रहे हैं। बूथ अध्यक्ष को हम लोग ये बताइए, ये क्या है, ये जो अमर बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम पूरे पश्चिम बंगाल में हर बूथ पर हम लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि माननीय नड्डा जी का निर्देश था इस कार्यक्रम को करने के लिए।
कभी बंगाल में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी इस बार के चुनाव में टीएमसी को चुनौती देती दिख रही है, इसलिए कार्यकर्ता भी जोश से भरे हैं। बीजेपी के बातों को हम घर घर में पूछेंगे, चेष्टा कर कोशिश करेंगे, जितना घर में जाएंगे हम उतने हम सक्सेस मिलेंगे। घर घर जा जाकर हम लोग वोट के लिए अपील करेंगे और आने वाले समय में परिवर्तन लेके आएंगे, 2021 में भाजपा का सरकार लेके आएंगे। ये अभियान में हर घर जाएंगे, आंगन बैठक करेंगे, उनके हॉल में जाएंगे, बैठेंगे और उनको समझाएंगे कि ये हमारी ये सरकार अगर नहीं रहती है तो हमारी जो केंद्र की सरकार की जो योजना है हम लोग को उसको लाभ मिलेगा। मोदी जी के सारे जितने भी कार्यक्रम हैं हम लोग सबको ही जानते हैं, हम लोग घर घर जाके बताएंगे कैसे क्या करना है नहीं करना है। बंगाल बीजेपी ने राज्य में 3 दिन के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने बूथ अध्यक्षों को घर पर कमल निशान के साथ उनकी नेम प्लेट लगाई, साथ ही माला पहनाकर बूथ अध्यक्षों का स्वागत किया गया। 3 दिन तक बंगाल बीजेपी के सभी पदाधिकारी बूथ स्तर पर सक्रिय रहेंगे। बंगाल में 78,000 से ज्यादा बूथ हैं और बीजेपी ने 26 दिसंबर को ही 60,000 बूथ कवर करने का लक्ष्य रखा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बीजेपी पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता और बूथ के हर वोटर तक पहुंचने का मिशन रखती है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का बूथ कार्यक्रम खासा सफल रहा था। बीजेपी ने भी इस बार मजबूती के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला कार्यक्रम, जो हमारे उत्तर भारत में जिसको पन्ना प्रमुख कहते हैं, वहाँ ममता के यहाँ दुआरे दुआरे कहते हैं, तो वो सारे जो स्कीमें हैं उसके तहत बीजेपी ने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है और आज से उनका ये अभियान चल रहा है। और इससे जो ग्रास रूट पे संपर्क का मामला है वो तेज़ होगा और इससे बीजेपी को चुनाव में जो ऊपर के माहौल की बात तो ठीक है लेकिन नीचे तक घुसने में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।